तो अभी ना मैं जो फेक चैनल्स हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक थंबनेल्स लगा रहे हैं, तो मैं क्या उसमें कॉपीराइट वगैरह दे रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी ऐसे वीडियोस होते हैं ना, तो मैं अंशु के व्हाट्सएप पे सेंड करती चलती हूँ। कोई भी कुछ भी चीज़ होती है, जैसे हम हाइप का भी काम करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें क्या उसको सेंड करती हूँ, फॉरवर्ड करती हूँ। तो मैं लैपटॉप में वही काम कर रही थी, तो मैंने सारी चीज़ें उसको फॉरवर्ड करी, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है। मैंने खुद नहीं उम्मीद करी थी कि ये सब हो रहा है। तो मेरे ससुर जी और सासू माँ बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा दुख है उनको। और उन्हीं के दो बेटे गए हैं, मेरा तो कुछ नहीं गया, ना मेरा कुछ है। सारी चीज़ें मैं वहाँ से, मेरी स्कूटी थी जो मैंने मेरे ही नाम पे है, वो मैंने खुद से खरीदी थी, तो मैं बस वही लेके आई हूँ और अपने कपड़े लेके आई हूँ। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरा वही है जो मेरे को कोलैबोरेशन में मिला है। दो बेड भरे हैं, वो भी मेरे कपड़ों से भरे हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और भी जो भी सामान है, ये सामान है, ये कोलैबोरेशन का है। पूरा मंदिर भी मेरा, मैंने खुद से खरीदा है ये सारा कुछ। और देखो जिस ये वाले रूम में मेरा सामान है, ये देखो जितना भी मेरा सामान है ना, मेरा खुद के ये लगेज मेरे खुद के सामान से है। पूरा ये हमारा खुद का सामान है। ये गाड़ियाँ ये मेरे मम्मी ने दी थी, ये मैंने खुद से ली है। सारा कुछ जितना भी है वो मेरे कोलैबोरेशन का है। मशीन मेरी नहीं थी, मैं वापस वहीं रखाई। ये जो पैरदान है ये मेरा है, पर्स मेरा है, सारा कुछ मेरा है जितना भी है। और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं है। और यहाँ पे जो भी कुछ है वो पूरा रेंट का है, ये सारा रेंट का है, सारा कुछ रेंट का है। मैं कुछ भी नहीं लेके आई। अब मेरे ससुर जी ने क्या किया है, स्कूटी लेके आए हैं। मैं वहां से आई हूँ, नेक्स्ट डे वो स्कूटी लेके आ गए। जब आपके पास फोर व्हीलर है, वो भी मेरे पति की थी, पर वो क्या आपके नाम से, तो आपने अपनी पावर दिखा दी कि वो तो मेरी है। आपके पास पल्सर है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, दो दो गाड़ियां आपके पास थी, तीसरी लेने की क्या जरूरत थी। बट आपके पास पैसा है तो अपनी पावर दिखा रहे हैं। स्कूटी खरीद के आ गए, दूसरे दिन उसका पूजन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से खुश होके वीडियो बना रहे हैं कि हाँ वीडियो स्टार्ट हो गई, अब करो। दुख एक फेस पे जो नजर आता है ना, 1% भी नहीं है। वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैं खुद इतनी शॉक्ड हो गई, मेरे को ये लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे बुला लेंगे, रोएंगे, और मेरे बच्चों से भी बात करेंगे कि चल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। बच्चे तो बुरे नहीं है ना, बच्चे तो आपके ही हैं, पर वीडियो में आप लोग को दिखाती हूँ कितनी अच्छी है। क्या हो गया यारू, पापा आपके पापा हैं और आयु और आरू है। तो मुझे क्या है, मैं काम कर रही थी, तो मैं जो भी कुछ भेजती हूँ अंशु को भेजती जाती हूँ उस व्हाट्सएप पे। हमारा जो भी कुछ काम का होता है, हाइप का भी होता है, तो भी मैं उसको भेजती जाऊँगी। तो मैं इसको भेज रही थी, तो मेरे को यहाँ पे मिलता है पापा जी। ये देखो ये वीडियो देखो आप बस। तो ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे की है, यानी कि 31 की। बस ठीक है। तो जब आप पे टू व्हीलर थी, आप पे पहले ही दो दो गाड़ियां हैं, आपने तीसरी और खरीदी। पैसे की पावर है, खरीद भी लेंगे। आज हम रेंटों के घर पे पहले तो किराए से घर ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह अपनी बच्चियों के लेके। वो अपने में मस्त हैं, उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बार तक फोन नहीं आया कि बच्चों से बात करा दे या फिर तू वापस आ जा या कुछ। मस्त है वो अपने में, स्कूटी ले आए, मतलब सारे सुख उनके लिए प्राप्त हैं। पूरे घर है उनके पास, एक जो उस घर में रह रहे हैं वो हो गया, फार्म हाउस है, सारी चीजें, मथुरा में घर हमने पैसे लगाए, वो घर भी उनका हो गया, पूरी प्रॉपर्टी दबा के बैठे हैं बढ़िया मजे से। उनके लिए मैं भाड़ में जाऊं, मर भी जाऊं, बच्चे भी भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारी खुशियां आए। पर जो एक दो लोग वो कह रहे हैं ना कि बेचारे हैं वो, उनको कितना दुख है, तो देख लो आज सेलिब्रेशन हो रहा है, बढ़िया स्कूटी का पूजन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, बढ़िया खुश हैं वो, वीडियो बना रहे हैं और खुश हो के। देखो आप लोग देख ही रहे हैं, तो अच्छा है हमारी लाइफ में दुख है, हम झेल रहे हैं और आगे भी दुख आएंगे, देख लेंगे, कभी तो सुख आएगा। हाँ बेटो,
चलो अपन अब सोने चल रहे हैं, ठीक है? आरु आप मेरे साथ खुश हो ना? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। हम आपका स्कूल देखने जाएंगे कल। अच्छा अच्छा वाला कुछ होता है? अच्छा आपको किसी की याद तो नहीं आती? नहीं। आप खुश हो? हाँ। अच्छा अंशु बुआ कहाँ गई? अंशु बुआ भी अब गए गई। क्यों गई अंशु बुआ? अंशु बुआ दूध देके आ जाएगी, कभी तो आएगी, नहीं आएगी तो वहीं पे खुश रहेगी, है ना मम्मी? तब वीडियो को लाइक करेंगे तब आएगी बुआ? नहीं तभी भी नहीं आ पाएगी। पता है मुझे जब मैं आ रही थी लास्ट तक, अभी भी तक उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी, पर आज मेरे को एक चीज़ क्लियर हुई है कि उन लोगों को हमारी बिल्कुल 1% भी ज़रूरत नहीं है। खुशी की बात है, बढ़िया खुश रहो, और पैसे ही से सारी खुशी नहीं मिलती। अरे आ जाओ चलो अंदर देखेंगे, ठीक है? इसको अंदर ले चले, आ जाओ। पैसे ही सारी खुशी नहीं मिलती, पैसा आपके पास बहुत है पर खुशियाँ नहीं है। आपने पूरा घर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब आपको, चलो मेरी तो छोड़ो, फिर आपको इन बच्चों तक की भी नहीं आई। अपना स्वार्थ वाला, बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, हर चीज़ में अपने मतलब सुख देखते हो, हर एक चीज़ में अपना सुख, अपनी सारी चीज़ें बढ़िया, दोनों मस्त हैं, खुश हैं, बढ़िया रहो। हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, और आपसे ज़्यादा खुशियाँ आएंगी हमारी ज़िंदगी में जब हमारी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी, तब खुश रहो। और तुम्हारे 1% कुछ लेके भी आए हो ना, तो दावे से कह रही हूँ, कह सकते हो कि हमारा वो ले गई है, 1% कोई चीज़ लेके आई हूँ आपकी, उल्टा आप मेरे पे राज कर रहे हैं। तो मैं आपके कुछ एक कहते ना कि एक सुई का धागा तक नहीं लेके आई, जो है सिर्फ अपना ही कपड़ों से सब कुछ भर रखा है, कुछ भी नहीं लेके आई। आप जैसे लोग, सही बता रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, ज़िंदगी में डायरेक्टली बोल रही हूँ, वीडियो तो आप लोग देखते हैं, आप जैसे लोग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, जो अपने बेटों के इनके नहीं हुए तो और ज़िंदगी में होंगे किसके? अब बुढ़ापा आएगा आगे कोई, वो आप यंग नहीं हो जाओगे कि सब साथ दे जाएं? आपका जो साथ देगा ना वो मैं थी, अब मैं भी नहीं हूँ। आप इस टाइम पे मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं आपका क्या साथ दूंगी? और पैसे से देखते हैं कितनी खुशियाँ खरीद लेते हो, कितनी मतलब अपनी उम्र वापस ले आओगे, पैसे से क्या वापस ले आओगे कि अपने साथ बांध के ले जाओगे, क्या कर लोगे? पैसा आपके पास है, कल मेरे पास भी होगा, कमा लूंगी मैं, और मैं जितना भी कमाऊंगी उतने में खुश रह लूंगी, क्योंकि अपनी बच्चियों को अच्छी लाइफ दूंगी। आप तो वो भी नहीं दे पाए, अपने लिए बस सुविधाएं ढूंढो आप। आज स्कूटी लो, गाड़ी भी हमारी है, घर भी हमारा है, और भी खरीद लाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। करो आपको जो करना है, बढ़िया खुश हो इसमें। फिर कह रहे थे मतलब मेरे से कहते हैं तू जा रही है, तू जा, तू खुश रहना बस, हमसे क्या है भाई? मैं तो जा रही हूँ, मैं तो इतने दुख में हूँ, पागल कुत्तों की तरह तो डोल रही हूँ, किराए पे घर ढूंढ रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, 3 दिन पागलों की तरह ढूंढ के तब ये मिला है हमें। हम कर रहे हैं ना इतनी सारी चीज़ें फेस हम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? घर बैठे चीज़ें खरीद रहे हो, बढ़िया, अपने में मस्त हो, खुद खुद के घर में बैठे हो, दो दो तीन तीन घर मिल गए, पूरा फार्म हाउस मिल गया, सब है आपके पास, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, फेंक दी उठा के, बस खुद मज़े में हो। फिर बोलते तुम्हारा क्या है, कौन सा अपने मायके से ले आई थी? मेरी शादी के बाद ही हुआ इतना सब कुछ हुआ है, पहले तुम पे भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक घर था बस, ये फार्म हाउस, ये पूरा खेत जो हमने प्लॉट हमने खरीदे हैं खुद।